आज के ब्लॉग में हम ट्रैवल करने वाले टू द सो फाइनली वी हैव मेड इट टू सो गाइस एक अपडेट है कि साउथ इंडिया में कौन सी जगह में मैं बताऊंगा गाइस सो ब्लॉग में रहिए जस्ट किडिंग गाइस हम लोग साउथ इंडिया में नहीं जाने वाले ट्रैवल नहीं करने वाले जस्ट बट हम साउथ इंडिया जैसा टेंपल जो है मुंबई में ही है वो जैसा टेंपल में ट्रैवल करने वाले वो ट्रैवल कौन सा प्लेस में मैं आपको डायरेक्टली लोकेशन में बताऊंगा सो आज का जो ट्रैवल होगा बाय ट्रेन होगा सो इट विल टेक अस टाइम फ्रॉम देयर सो आई थिंक सो फ्रॉम हियर वी हैव टू गो फ्रॉम रिक्शा देन आफ्टर दैट ट्रेन देन आफ्टर दैट अगेन वॉकिंग या कुछ भी इट्स नियर बाई टू बाय वॉकिंग ऑल्सो सो इट विल बी ईजीली एक्सेसेबल ऑल्सो बाय वॉकिंग सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन दिस इज अनिल फ्रॉम मी आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट सो मौसम भी अच्छी खासी हो चुकी है और ये आप लोग के लिए फर्स्ट बारिश होगा अगर व्लॉग में स्टोरीज में तो मैंने बहुत सारा आपको दिखाया बारिश वारिश हो रही है ये बारिश आई होप सो इट डजंट रेन अभी थोड़ी देर पहले जोर का बारिश हो रहा था बट नाउ इट्स नॉट रेनिंग तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम बिकॉज बारिश होगी तो प्रॉब्लम भी शूट वूट करना थोड़ा मुश्किल होगा तो लेट्स गो फास्ट 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 सो फाइनली वी हैव मेड इट टू माटुंगा स्टेशन फॉर दैट टेम्पल द माटुंगा स्टेशन इज द नियरेस्ट स्टेशन सो अगर आप बाई ट्रेन आते हो तो माटुंगा स्टेशन इज द नियरेस्ट स्टेशन सो एक और चीज़ गाइस कि माटुंगा स्टेशन स्लो ट्रेन का उसमें आता है तो फास्ट ट्रेन अगर आप लोगों के तो आपको वापस दादर नहीं तो बांद्रा से उतर के वापस स्लो ट्रेन पकड़ना पड़ेगा उससे अच्छा और स्लो ट्रेन पकड़ लीजिए कहाँ से भी आ रहे हो तो सपोज चर्च गेट से आ रहे हो तो या किधर से भी आ रहे हो स्लो ट्रेन अवेलेबल है हर जगह से फास्ट ट्रेन इज़ नॉट अवेलेबल बिकॉज खाली मेन मेन स्टेशन में रुकता है सपोज लाइक फास्ट ट्रेन लाइक अंधेरी बांद्रा दादर एंड सो ऑन तो अभी गूगल मैप्स के भरोसे में जाना पड़ेगा बिकॉज एग्जैक्टली मुझे भी पता नहीं वेर इज़ द लोकेशन सो मतलब इधर से अभी मैं थोड़ी देर पहले चेक किया था तो फ्रॉम हियर इट इज़ शोइंग 15 to 20 minutes वॉकिंग बाई कार तो हार्डली 10 मिनट्स बता रहा था तो अब मैं मैप्स में देखता हूँ आपको मैं डायरेक्ट मंदिर पर मिलता हूँ गाइस गाइस एक अपडेट है कि मतलब कि जैसे कि आपने मेरा लास्ट फुटेज देखा जैसे कि मैं माटुंगा स्टेशन में था तभी से अब तक तो मैं अभी तक लोकेशन में नहीं पहुंचा क्योंकि अब ऑलमोस्ट उस फुटेज को शूट करते हुए मुझे मिला 1 घंटा के ऊपर हो गया अप्रॉक्सीमेटली बिकॉज मैं एक ही जगह में कब से घूम रहा हूँ बिकॉज द गूगल मैप इज अगेन एंड अगेन मुझे कन्फ्यूज कर रहा है तो उसके जैसे मैं ज़्यादा मतलब कि शूट भी नहीं कर पा रहा हूँ और उसके जैसे थोड़ा सा मतलब कि और कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन एक ही गली में मैं 3-4 बार गया फिर मैंने इधर लोकल लोग से पूछा तो देवे सिंह दैट ब्रिज आता है सो वहाँ से आपको इजीली एक्सेसिबल है तो मैं आपको और डिटेल्स में कुछ ही देर में बताता हूँ जैसे जैसा मंदिर की तरफ पहुँचोगे ना गाइस वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स का फ्लावर्स ये सब मिलता है मतलब कि जैसे हम लोग चढ़ाते हैं ना भगवान के मंदिर पे वो सब मिला हार वार वगैरह सब मिलेगा हार से लेके फूल वगैरह एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ पूजा स्टॉप्स एंड ऑल ऑल्सो आपको इजीली मिलेगा जस्ट बिफोर दी मंदिर वनी मिल जाएगा आपको ईजिली एक्सेसिबल है तो जब भी आ रहे हो आप ले सकते हो गाइस तो हम लोग मंदिर में पहुँचने वाले विद इन 5 to 10 minutes में दिस टेम्पल मतलब कि इतना ढूंढा ना गाइस कि पूरा स्टेशन का उधर से इधर ईस्ट का वेस्ट वेस्ट का ईस्ट कर कर के पूरा थक थक के कैसा पहुंचा क्या क्या है डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ बट
हाउ टू रीच विच इज़ द नियरेस्ट स्टेशन, कैसा क्या क्या है, बहुत कुछ मैं आपको शेयर करना बाकी है, तो वो थोड़ी देर में शेयर करूँगा बिकॉज अब मेरे पास थोड़ा लिमिटेड टाइम है, ये टाइम 11 बजे बंद होगा टेम्पल, तो मैं आपको थोड़ा बहुत फटफट थोड़ा इसका डिटेल्स बताता हूँ। तो अस्तिका टेम्पल मतलब कि अस्तिका एक समाज है, मतलब एक सोसाइटी में अलग अलग कल्चर, जैसा पारसी कम्युनिटी होता है वैसे एक अस्तिका कल्चर मतलब कि समाज है। सो उन्होंने ये जो टेम्पल इस्टेब्लिश किया वो इस्टेब्लिश किया है इन 1923, इन द ईयर 1923 को दिस टेम्पल वॉज इस्टेब्लिश। So guys, I went inside, but the situation was that inside you are not allowed to shoot inside, any videography and photography is not allowed, with whether you use a mobile photography or DSLR, there is no any the restriction is there inside, so you cannot use the cameras inside, so you can just take the video of out here and take the photographs, but inside videography and photography is not allowed. And one more thing that guys, this temple is the temple of Lord Ram है उसके अंदर, एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ आइडल्स भी थे उसके अंदर। सो आप जब भी आ रहे हो आप एक बार इस टेम्पल को विजिट कर सकते हो गाइस, इन मुंबई माटुंगा एरिया में है, और बहुत कुछ बताना बाकी है आपको, तो आप ब्लॉग में रहिए गाइस। जैसे कि मैंने बोला था कि अस्तिका समाज इस्टेब्लिश दिस टेम्पल, विच इज़ अस्तिका टेम्पल भी बोल सकते हो इस टेम्पल को। सो दैट टेम्पल वाला वही वाला समाज दे कंडक्ट द बेस्ट फैसिलिटीज, कंडक्ट फैसिलिटीज सच एज मैरिजेस फंक्शंस एंड मतलब मैरिजेस फंक्शन, सोशल फंक्शन एंड रिलीजियस फंक्शन, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है इधर। सो फॉर डिवोट्स एज वेल एज फॉर जनरल पब्लिक टू ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद मैनेजमेंट आउट हियर, सो दे कैन गाइड यू अकॉर्डिंगली गाइस। तो चलिए अब थोड़ा सा आपको मैं इसका जो मेन पॉइंट मैं बताने वाला था आपको कि विच इज स्टेशन इज नियरेस्ट एंड पार्किंग फैसिलिटीज है कि नहीं अन बहुत कुछ गाइस। सो सपोज अगर आप अपना फोर व्हीलर लेके आ रहे हो तो सपोज फॉर एग्जाम्पल देन यहाँ पे पार्किंग हार्डली चांसेस है, 50-50 चांसेस है, क्योंकि ऑलमोस्ट तो फुल रहता है ये पार्किंग, कभी कभी एक दो पार्किंग स्पॉट्स खाली हो जाते हैं मंदिर के पास, तो आपको इजीली मिल सकता है गाइस, इट्स नॉट कंफर्म क्या मिलेगा बट हो सकता है चांसेस। सो मेरा एडवाइस है अगर आपको चांस नहीं लेना है तो बेस्ट थिंग इज दैट यू कैन कम बाय ट्रेन, जैसे कि मैं आया हूँ, बट ट्रेन में भी एक ऑप्शन है जो मैंने अभी देखा था गाइस कि इफ़ यू आर कमिंग बाय ट्रेन देन द नियरेस्ट स्टेशन तो माटुंगा स्टेशन है ही है, बट उसमें आपको जैसे कि पता है कि मुंबई में 3 ट्रेन का लाइन्स होता है, दैट इज़ वन हर्बल लाइन, वेस्टर्न लाइन एंड सेंट्रल लाइन। तो उसमें से मैं जिसमें आया हुआ था माटुंगा, दैट वाज वेस्टर्न लाइन, तो उसमें से थोड़ा सा आपको अगर आप सपोज वेस्टर्न लाइन से आते हो तो आपको हार्डली 10-15 मिनट चल के आना पड़ेगा टू वॉज दिस टेम्पल। मैं तो पूरा ज़्यादा ही घूम लिया था, 1.5 घंटा-2 घंटा तक पूरा ढूंढते मैप ने पूरा घुमा दिया। अगर मैं बता रहा हूँ अगर आपको आ रहे हो फ्रॉम वेस्टर्न लाइन ऑफ माटुंगा, देन यू हैव टू फ्रॉम ब्रिज करके एक ब्रिज आता है, तो वहाँ से आपको
10 to 15 minutes walkable है. एंड इफ़ यू कम by सेंट्रल लाइन देन तो माटुंगा स्टेशन में आ सकते हो. सेंट्रल लाइन इज़ द नियरेस्ट स्टेशन. वहाँ से आपको हार्डली 5 टू 10 मिनट्स लगेगा वॉकेबल towards this temple. इजिली accessible भी है. और आपको गूगल में क्या लिखना है वो भी आपको मैं इधर दे दूंगा, तो आप वो देख सकते हो गाइस. सो towards that place डायरेक्टली मैं आपको उधर अन्ना के इधर मिलता हूँ, जो साउथ इंडियन. अभी इधर मंदिर में तो आ ही गए, तो सो साउथ इंडियन भी खा ही लेंगे. तो अंधेरी में मिलता हूँ मैं आपको डायरेक्टली. सो पहुँच तो गए अपन अंधेरी में. तो बारिश ऑन एंड ऑफ हो रहा है. तो अभी ब्रेकफास्ट इधर खा रहा हूँ. दैट इज नोन एज द डोसा हाउस, विच इज जस्ट अपोजिट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक. आई सीरियसली हैव टू गेट माई फोन इन साइड. अभी पानी पीने कर रहा इधर जम्मू एंड कश्मीर बैंक. So you can definitely visit this place guys, and it's very, very easily accessible from Andheri station also. I think so from Riksha it's around 10 to 15 minutes. इधर कारपेंटर भाई चाय भाई फिर अपने दोसा हाउस पे. अब इधर आते ही बिल्कुल अपना कारपेंटर मिल चुके. उधर चाय हो रहे अच्छे से, चाय की चुस्की ले रहे अपने बारिश के मौसम के साथ. सो ब्रेकफास्ट वेकफास्ट भी सब अच्छे से हो गया. मैं इधर एटलीस्ट कितना 7 से 8 महीने पहले से मतलब कंटिन्यूस मेरा रेगुलर इधर खाना पीना होता ही था इधर गाइस. वंस इन अ वीक होता ही हमेशा. या मैं किधर ट्रैवल करता या ब्लॉग करने निकलता हूँ इधर शूट पे, तब जाके मैं इधर खाता हूँ. और भाई ने जो अपने को सर्विस दिया इधर जो है हमारे पीछे जो था उसके, और ये अपने दूसरे वाले भाई अभी तो नाने के आपको जब भी आप दोस्त में आओगे तो ये दिखेगा. और अपना मेन जो है अपने जो साउथ के पीछे होते हैं थोड़ा थक हो चुके थे. सो मैंने व्लॉग उधर एंड किया. तो Share this video, subscribe to my channel and please press the bell icon. If you like it, you can hit the dislike button too. Till then, stay safe, stay happy, spread happiness and do whatever makes you happy. And do comment down below there guys, how did you like this temple vlog and history and different places which we have Google घुमा दिया है guys. And do let me know in the comment section below that in next कौन सा place में घूमना है guys. And if you haven't followed me on my social media handle, do follow me on my social media handle. This is my ID here. So till then, I'll catch you in my next vlog. Thank you so much for watching and following. So this temple was set up. So guys, laying. So welcome back to the channel.